बिहार में फ्री पॉलिटिक्स के बीच यूपी की योगी सरकार ने फ्रीरासन बंद करने का ऐलान किया है। यूपी सरकार अब अपने कोर्ट से कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन नहीं देगी। अब लाभार्थियों को पहले की ही तरह गेहूं और चावल के लिए 2 और 3 रुपए प्रति किलो चुकाना होगा। जुलाई का राशन 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच बांटा जाएगा। इसके सभी सप्लाई ऑफिस को गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। इस पूरे मामले पर खाद्य रसद विभाग के राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने इंडियन प्राइम न्यूज से कहा कि अब पुरानी व्यवस्था के तहत राशन मिलेगा। इस योजना के तहत अब तक मिल रहा 1 किलो नमक, 1 किलो चना, रिफाइंड आदि मुफ्त में ही दिया जाएगा, मगर राशन का पैसा देना होगा। इस योजना में पात्र गृहस्थी लाभार्थी कार्ड पर प्रति यूनिट 5 किलो यानी 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल दिया जाएगा। अंत्योदय कार्ड पर प्रति कार्ड 35 किलो यानी 14 किलो गेहूँ और 21 किलो चावल दिया जाता है। ये व्यवस्था जारी रहेगी। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना भी जारी है। योगी सरकार के इस फैसले को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि ये आम जनता का वोट लेकर सीधे पेट पर चोट करने जैसा है। कमाई रोजगार पहले छीन लिया गया, गरीब विरोध सरकार ने अब रोटी छीनने के ऐलान कर दिए हैं। प्रदेश में माह में 2 बार मुफ्त राशन बंट रहा था। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा नियमित राशन वितरण, तो दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में। अब एक योजना में कार्ड धारकों को राशन का पैसा देना होगा, जबकि प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना तहत सितंबर 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। कोरोना काल के दौरान अप्रैल 2020 में प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुई थी। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी ने इसे दीपावली तक बढ़ा दिया था। बाद में मार्च 2022 में सरकार बनने के तुरंत बाद इसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी जीत में इस योजना की बड़ी भूमिका मानी जाती है। यूपी चुनाव में प्रचार के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इस योजना को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश किया था। कहा जाता है कि इस योजना का लोगों पर असर दिखा और यूपी में भाजपा अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही। प्रदेश में पात्र गृहस्थी लाभार्थी यूनिट संख्या लगभग 14.97 करोड़ तथा अंत्योदय कार्ड धारक यूनिट संख्या लगभग 1.31 करोड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।